हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ। और हाँ, आप सब नाम तो जाने गए होंगे, मेरा नाम विकास है और आप सभी के साथ मैं क्या पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते हैं हम सब। और आप सभी को पता है कि हम सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का, मौलिक अधिकार। क्या आपने नहीं देखा अभी तक? अरे देखो जाके, इतने सारे पार्ट अपलोड हो गए, 5, 6, 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आज पार्ट 8 है, तो आप कितना पीछे हो गए, जाके देखो एक बार। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका और सारे पार्ट्स क्लियर करके आओ, फिर हम उसके आगे आपके साथ मीट करते हैं। बट आज हम अपने 8वें पार्ट को स्टार्ट करते हैं और आज हमें धर्म की स्वतंत्रता का जिक्र करना है। किसकी स्वतंत्रता? धर्म की स्वतंत्रता। हमारे पास कुछ धार्मिक अधिकार भी है ना, तो हम उस धार्मिक अधिकार को एक एक अनुच्छेद करके पढ़ेंगे। खिचड़ी नहीं बनानी है, खिचड़ी बनाई, दाल भात चोखा बनाया, खा गया, पी गए, खत्म। नहीं, एक एक अनुच्छेद करके पढ़ेंगे, भले ही पार्ट्स 8 से 10 हो जाए, पर अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाग कौन सा है? धर्म की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, ठीक। और उसमें भी हम कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 25 पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 25 में क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है? देखो, अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। मतलब हम अपने धर्म को किसी भी तरीके से मान सकते हैं, कोई भी हमें हमारे धर्म को मानने से मना नहीं कर सकता। साथ ही साथ हमें उसको आचरण कैसे, उसका पालन करना है, वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, उसको भी आपको कोई मना नहीं कर सकता। साथ ही साथ अगर आपको उसका प्रचार करना है, किसी दूसरे को बताना है कि आप मेरे को बताने आते हो कि भाई मेरे धर्म में तो दिवाली होती है, चल भाई हम दोनों बैठ के दिवाली बनाते हैं, होली बनाते हैं, तो आप अपने धर्म का क्या कर सकते हो? प्रचार भी कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसी के तहत कुछ पॉइंट्स होते हैं कि कैसे आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता मिलती है। तो देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूप के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता होगी। चाहे तो आप मूर्तियों में भगवान देखो, चाहे आप किसी वस्तु में भगवान देखो, चाहे आप अपने अंतर आत्मा की आवाज में कोई भगवान देखो, आप किसी में भी भगवान मान सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, मानने का अधिकार, किसी को भी मानना, किसी भी आत्मा, परमात्मा, इन सब चीजों को मानना आपका अधिकार होगा। अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक व बिना भय के घोषणा करने का अधिकार, आप जिसको मानते हो आप उसको बिना किसी डरे हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारा संविधान सर्वोपरि है, यहाँ पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना हमसे ना आपसे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म को मान सकते हो, जिससे आप पूजा करना चाहो उसकी पूजा कर सकते हो, जिस परंपरा को मानना चाहो उस परंपरा को मान सकते हो। और आगे क्या है, देखो थर्ड पॉइंट के अंदर, आचरण का अधिकार। आचरण मतलब आप अपने धर्म का पालन कैसे करोगे, आप अपने धर्म को कैसे अपने जीवन में उतारोगे, तो वो भी आप अपने तरीके से उतारोगे, आपको कोई रोकेगा नहीं। देखो, आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, आप अपने ईश्वर की पूजा कैसे करोगे, परंपरा समारोह, आप अपने ईश्वर का समारोह कैसे करोगे, अपनी आस्था और विचारों का प्रदर्शन कैसे करोगे, ये सब हमारे हाथ में, ये सब हमारे हाथ की स्वतंत्रता है, हमसे कोई छीन नहीं सकता कि मैं अपने ईश्वर की पूजा कैसे करूं, उसका प्रचार कैसे करूं, उसका समारोह कैसे करूं, मेरी मर्जी में कैसे भी करूं, ठीक है। अर्थात आप और हम अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या, प्रसार का अधिकार, वही बात कि फैलाने का अधिकार है, कि हम अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में सभी को बता सकते हैं, सभी को पढ़ा सकते हैं, सभी को दिखा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, कोई किसी को रोकेगा नहीं। अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, आप किसी को अपना धर्म बता सकते हो, समझा सकते हो कि हाँ भाई मेरे धर्म में ऐसा ऐसा है, पर ये नहीं कर सकते कि आप उसके गर्दन पकड़ो और कहो कि नहीं नहीं अब तू भाई ये धर्म नहीं अपनाएगा, अब तू मेरा धर्म ही अपनाएगा, तू अपने धर्म के अनुसार नहीं चल सकता। तो ये घोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जिस तरीके से हम और आप अपने धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी उसके धर्म के इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता देते हैं, हम उसका धर्मांतरण जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये एक कानूनी अपराध होगा, ठीक है। फिर क्या है कि धर्म के जबरदस्ती किया गया
धर्मांतर सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करेगा। मतलब मीन्स अगर आपसे जबरदस्ती कोई करवाता है कि आपका धर्म परिवर्तित करवाता है, आपसे जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म की क्रिया करवाता है, तो वो क्या होगा, आपको अधिकार नहीं मिलेगा, उसका अतिक्रमण किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, उसको रोका जाएगा, उसको सीमित करने का कोशिश की जाएगी। फिर इसी के साथ साथ और उपरोक्त और भी बातें हैं। उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं, धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। धार्मिक विश्वास मतलब आप जिसमें विश्वास करना चाहते हो वो तो है ही है, और आचरण आप उस विश्वास को कैसे प्रदर्शित करोगे, उसकी स्थापना कैसे करोगे, कैसे उसकी पूजा करोगे, कैसे उसका पठन पाठन करोगे, इसके लिए स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है, 25। अर्थात आपको धार्मिक विश्वास की तो स्वतंत्रता मिल ही जाती है, किसी में भी विश्वास कर सकते हो, पर साथ ही साथ आप जिसमें विश्वास करते हो उसके लिए आचरण भी कर सकते हो, और आचरण का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 25 के अंदर। फिर अनुच्छेद 25 में दो व्यवस्थाएं भी हैं, दो व्यवस्थाएं दी गई हैं अनुच्छेद 25 के अंदर। कृपाण धारण, आपने सिख लोगों को देखा होगा कि वे लोग कृपाण धारण करते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो वे भी उनकी धार्मिक चिन्ह ही माने जाते हैं, इसीलिए वे लोग पगड़ी और कृपाण धारण कर सकते हैं, संविधान में उनको यह अधिकार मिला हुआ है। देखो कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा, और दूसरा इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित होते हैं। अर्थात जब हम हिंदू कहेंगे तो हमें सिर्फ हिंदू नहीं कह रहे, उसमें सिख भी शामिल है, उसमें जैन भी शामिल है, उसमें बौद्ध भी शामिल है। तो जिस तरीके से हिंदुओं को अधिकार मिले हैं उसी तरीके से सिख को भी, जैन को भी और बौद्ध को भी अधिकार मिले हैं। तो अनुच्छेद 25 इस तरीके से हो जाता है। अब जो अगला आएगा अनुच्छेद 26, हम उसको देखते हैं कि अनुच्छेद 26 के अंदर और कौन कौन से अधिकार दिए हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, धर्म की स्वतंत्रता मानने का तो अधिकार है, पर अनुच्छेद 25 के अंदर सिर्फ एक ही बात, दो ही बात हमें सामने से स्पष्ट होती है कि आप अपने धर्म पर विश्वास कर सकते हो, और अपने धर्म पर विश्वास करने के साथ साथ उसको किसी भी तरीके से आचरण कर सकते हो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे जबरदस्ती कोई धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। अगर आपसे कोई जबरदस्ती धर्मांतरण करता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, रोकने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि आपको धर्म का प्रचार करने का, विश्वास मानने और आचरण करने का अधिकार दिया है, किसी को धर्म में बदलने का अधिकार नहीं दिया। इस तरीके से आप अनुच्छेद 25 समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 26 की तरफ। अब हम अनुच्छेद 26 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 25 तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27 दोनों का अध्ययन करेंगे हम। अनुच्छेद 26 में क्या, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कि हमें धार्मिक कार्यों मतलब अपने धर्म से जुड़े हुए जो कार्य हैं उसका प्रबंध करने की क्या हमारे पास स्वतंत्रता है, कि हम अपने धार्मिक क्रियाकलाप को किस तरीके से करें, इसका प्रबंध हर एक भारतीय मनुष्य अपने आप से कर सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। तो क्या क्या बात लिखे, देखो अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। हर जो धार्मिक संस्था है उसको संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं ताकि वह अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध स्वतंत्र तरीके से कर सके। तो क्या क्या दिया है, देखो धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन, मतलब किसी धार्मिक क्रियाकलाप का, कोई मूर्ति पूजन का, संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक संस्था, मूर्ति की संस्था, मूर्ति पूजन करना ऐसी संस्था, और उसके पोषण का अधिकार, आप उसको और भी बढ़ा सकते हो ऐसा अधिकार। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके की परंपरा कार्य होते हैं, तो हर एक जो धर्म के लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अपना कार्य कर सकते हैं। संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार, धार्मिक जो संस्था होती है वो संपत्ति खरीद सकती है और उसको संपत्ति खरीदने के बाद उसको और भी ज्यादा विकसित कर सकती है। फिर उसके बाद ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, और ऐसी जो संपत्ति जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी होगी वह संपत्ति आपका मिल सकती है, आप उस पर अपना अधिकार दिखा सकते हो प्रशासनिक रूप से। तो अनुच्छेद 26 जो है वो सामान्यता यही कह रहा है कि आप अपने धर्म का पालन करने के लिए किसी भी तरीके से प्रबंध कर सकते हो, संस्थाएं ले सकते हो, संपत्ति कर सकते हो, मूर्तियां लगा सकते हो, संस्थाएं बना सकते हो, कोई भी आपको रोक टोक नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता था, धार्मिक अंतःकरण की बात करता था कि आप कैसे पालन करोगे, जबकि अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है
वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है, मतलब एक पूरे समूह को अधिकार मिल जाते हैं अनुच्छेद 26 से। अगर हम बात करें अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 में क्या है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से मुक्ति, मतलब अनुच्छेद 27 के अंदर ये बात कही गई है कि भाई अगर किसी को भी धर्म की संस्था स्थापित, जो भी कोई धर्म की संस्था स्थापित करेगा उसे टैक्स देने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ टैक्स और एक चीज सेवा अलग चीज है। सरकार आपसे धार्मिक संस्थाओं को लेकर टैक्स तो नहीं लेगी, परंतु अगर कोई भी सेवा ले रहा है, मतलब कोई धार्मिक संस्था किसी की सेवा ले रहा है, तो आपको सेवा के संदर्भ में पैसे देने ही पड़ेंगे। अर्थात देखो अनुच्छेद 27 को लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के व्यय में करों के संदाय के हेतु बाध्य नहीं किया जाए, मतलब धार्मिक संस्थाओं को टैक्स के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है, क्योंकि किसी पर भी टैक्स नहीं होगा तो किसी एक पे तो लगा ही नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्म के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता, मतलब करों का जो छोड़ा गया मतलब कर नहीं लिया जाएगा, तो उससे हर एक धर्म अपनी वृद्धि अभिवृद्धि कर सकता है। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, मतलब सरकारें आपसे टैक्स नहीं लेंगी, बट अगर आप कोई सेवा ले रहे हो सरकारी सेवा, तो आपको सरकारी सेवा के बजाय आपको पैसे देने ही होंगे। और लास्ट में क्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं पर धर्म निरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। मतलब क्या कह रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाना का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं पर धर्म निरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है, कि हमारे देश की जो सरकारें हैं, जो देश है धर्म निरपेक्ष है, और उस पर क्या लगाया जा सकता है, सिर्फ शुल्क लगाया जा सकता है, टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इस तरह से तीर्थ यात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जा सके। वही बात, अगर आपको कुछ विशेष सेवाएं चाहिए, विशेष सुविधाएं चाहिए, सरकार आपके लिए कुछ विशेष करे, तो उसके लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, भले ही वह धार्मिक कार्यों के लिए ही क्यों न किया जाए। आप अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहे हो और उसमें किसी की सेवा ले रहे हो, तो सेवा के बदले में आपको शुल्क देना होगा, आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे यह पता लगता है कि आप जो सरकारी संस्थाएं बनती हैं वो टैक्स मुक्त रहती हैं, उनके पास पैसा अपना रहता है, सरकार उन पर कभी भी आर्थिक दबाव नहीं डालती है। बट अगर कोई भी संस्था सरकारी सुविधाओं का प्रयोग करना चाहती है या किसी अन्य तरीकों की सुविधाओं का प्रयोग करना चाहती है, तो उसके लिए उस संस्था को शुल्क देना ही होगा, ताकि क्या कर सके कि व्यवस्था के अंदर धर्म निरपेक्षता को प्रशासन बनाए रखे और प्रशासन की नजर में हर एक धर्म एक बराबर ही हो। इस तरीके से आपको अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27 दोनों क्लियर हो जाता है। अब धर्म की स्वतंत्रता में लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 28, तो हम अनुच्छेद 28 को देखते हैं कि अनुच्छेद 28 जो है वो किस तरीके से धर्म के अधिकार के बारे में बयान करता है। आई होप आपको दो अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे, एक हमने अनुच्छेद पढ़ा 25, 26, 27, तीन अनुच्छेद पढ़ लिए, तो भी आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और अब धर्म की स्वतंत्रता का ये आखिरी अनुच्छेद है अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। आप चाहो तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो सकते हो और चाहो तो धार्मिक शिक्षा में अनुपस्थित भी हो सकते हो, कोई आपको जबरदस्ती किसी पूजा पाठ में बैठा नहीं सकता। तो इसमें क्या क्या है, देखो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णता पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब ऐसी कोई धार्मिक संस्था जिस पर पैसा सरकारों का लगा हो, तो वह संस्था कभी भी किसी धार्मिक शिक्षा के बारे में सिखा या बता नहीं सकती। दूसरा, हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थाओं में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हो, मतलब ऐसा कोई संस्था जिस पर कुछ हद तक राज्य का शासन हो पर पूर्णता किसी निजी तत्व का शासन हो, तो वहां पर ये तत्व काम नहीं करते। वहां पर अगर वह धार्मिक संस्था है तो वह अपने शिक्षा को, अपने धर्म की शिक्षा को प्रचार प्रसार कर सकती है, उसमें राज्य को इंटरफेयर नहीं करेगा। तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा
या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाए। मतलब अगर कोई राज्य भी संस्था बना रहा है, कोई निजी संस्था है, बट अगर व्यक्ति अपनी इच्छा से वहां पर जाना चाहता हो तो वो वहां जाके शिक्षा ले सकता था में, परंतु किसी को जबरदस्ती नहीं कि मम्मी कहती है ना चल सत्संग चल, चलने तेरे को कुछ बुद्धि आ जाएगी, मोटी बुद्धि हो गया बहुत, चल सत्संग चल। तो ऐसे करके हमें कोई भी जबरदस्ती किसी धार्मिक शिक्षा में या धार्मिक संस्था में ले जा नहीं सकता। और मान लो कोई छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जा तो सकते हैं परंतु अपने पेरेंट्स की निगरानी में ही जाएंगे, आप पेरेंट्स की निगरानी में नहीं जा सकते। इससे ये बात साफ होती है कि हमें धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, पर आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और सरकारें भी उन्हीं को रोक सकती हैं कुछ हद तक, जहां पर राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकारों ने अपना पैसा लगाया भी। इस तरीके से अनुच्छेद 28 भी खत्म हो जाता है। तो अब हम आपसे एक बात कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहां वो मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अब हम आपके साथ फेसबुक पर भी आपको मिलेंगे, इंस्टा पर भी मिलेंगे, और यूट्यूब पे तो फॉरएवर है ही, आप सुबह शाम जब भी हमें देखेंगे तो हम आपको यूट्यूब पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ एवरग्रीन सॉन्ग होते हैं ना, उसी तरह हम आपको फेसबुक और इंस्टा पर भी मिलेंगे। तो आज के क्लास सेशन में इतना ही, तो टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।